नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन तिवारी 1308 के परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर छत्तीसगढ़ी फिल्मों के लिए अथवा किसी अन्य भाषाओं के फिल्मों के लिए ऑडिशन कैसे दिया जाता है, आपको ऑडिशन के दौरान कौन कौन सी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और कैसे आप छोटी सी छोटी बातों का ध्यान रखकर बिल्कुल आसानी से आप ऑडिशन में सेलेक्ट हो सकते हैं। तो अंत तक देखते रहिए हमारे इस वीडियो को और छत्तीसगढ़ी फिल्मी जगत से जुड़ी नई नई जानकारी के सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑडिशन दो तरह के होते हैं, एक ऑनलाइन ऑडिशन और दूसरा ऑडिशन वह होता है जहां कलाकारों के एक निर्धारित स्थान पर बुलाया जाता है और वहां उसे एक्ट करके दिखाना होता है। तो अगर आप ऑनलाइन ऑडिशन के बारे में भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, अगर आप चाहेंगे तो हम बहुत जल्द उस पर भी वीडियो लाएंगे। तो दोस्तों, ऑडिशन देने का पहला नियम यह है कि आपके अंदर किसी भी प्रकार का डर या हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। आप जब भी ऑडिशन दिलाने जाएं तो अपने आप को एक अच्छा एक्टर समझें, क्योंकि इस फिल्म में प्रवेश करने के लिए आपके अंदर डर नाम का कोई भी चीज नहीं होना चाहिए। आपके अंदर के डर को हटाने के लिए वीडियो के अंत में कुछ टिप्स भी आपको मिल जाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक ऑडिशन वह होता है जिसमें आपको ऑडिशन स्थल में ही कुछ डायलॉग दिए जाते हैं जिसे आपको कैमरे और जजेस के सामने बोलना होता है, और दूसरे ऑडिशन में आप स्वयं का कुछ भी एक्ट कर सकते हैं, स्वयं के कुछ भी बोल सकते हैं, या दोनों ही ऑडिशन अपने अपने जगह पर बिल्कुल सही हैं। अब बात करते हैं कि आखिर एक अच्छा ऑडिशन कैसे दिलाया जाता है। तो दोस्तों, जैसे ही आप ऑडिशन वाले रूम में इंटर करते हैं तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप कैमरे के सामने ज्यादा हिले डुले नहीं, अपने नजरें नीचे ना झुकाएं। ऐसा करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी साफ साफ नजर आती है। आपको अपने डायलॉग या एक्ट करने से पहले कैमरे के सामने आपको इंट्रोडक्शन देना होता है जिसमें आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर, हाइट और अगर आपने इससे पहले कोई फिल्म में काम किया है तो उसका एक्सपीरियंस आपको बताना होता है। इसके बाद आप अपना एक्ट शुरू कर सकते हैं। आपको एक्ट करते समय पूरा फोकस कैमरे में ही रखना चाहिए जिससे उस क्लिप को अगर बाद में प्रोडक्शन टीम द्वारा देखा जाए तो आपका चेहरे का एक्सप्रेशन कैमरे में साफ दिखे और आप बिल्कुल आसानी से उसमें सेलेक्ट हो जाएं। आपके अंदर के डर को हटाने के लिए कुछ आसान टिप्स इस प्रकार है। आप अपने डायलॉग और एक्ट की प्रैक्टिस अपने दोस्तों के सामने, फैमिली के सामने और आईने के सामने जरूर करके देखें ताकि आपको ऑडिशन के दौरान थोड़ी आसानी जाए। ऑडिशन में भले ही आपको कोई भी डायलॉग दिया जाए लेकिन आप अपना फेवरेट एक्ट जरूर याद करके रखें। आप अपना एक्ट दिखाने के लिए वहां के जजेस से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं और अपना बेस्ट भी दे सकते हैं। आप ऑडिशन में जाते समय अपना फेवरेट ड्रेस पहनकर जाएं जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ेगा। अपने साथ अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो और एक पेन भी लेकर जाएं, क्योंकि ऑडिशन में आपको एक ऑडिशन फॉर्म भी भरना होता है। अगर आप कहीं दूर से आ रहे हैं तो जल्द से जल्द ऑडिशन स्थल पर पहुंचने की कोशिश करें जिससे आपको वहां पर पहुंचकर थोड़ा रिलैक्स होने का टाइम मिल सके, क्योंकि अगर आप थके रहेंगे आप चाहकर भी ऑडिशन अच्छे से नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, मन में अगर कोई सवाल है तो हमें आप कमेंट भी कर सकते हैं। 2020 में छत्तीसगढ़ में बहुत सारे फिल्मों के ऑडिशन होने वाले हैं तो आप अपनी तैयारी अभी से ही शुरू कर दें। हम बहुत जल्द आपके लिए ऑडिशन की जानकारी भी लेकर आएंगे। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।